हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कीटो की एक और जो चीज़ है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैंने कीटो लंच रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी तो मुझसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि सुगम प्लीज़ मुझे ये बताइए कि कीटो में हमें चाय या कॉफ़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मेरी अभी भी कीटो की जर्नी चल रही है। और मैं, आप सब जानते हैं कि मुझे चाय बहुत पसंद है, कॉफी बहुत, हर चीज़ ड्रॉप कर सकती हूँ लेकिन अपनी चाय और कॉफी को कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ। तो उसका मैंने ऐसा क्या जरिया निकाला कि आप कीटो में रहते हुए अपनी जो चाय और कॉफ़ी मत छोड़िए और उसका जो है लुत्फ उठाइए। और आपको बिल्कुल भी जो एनर्जी डाउन लगती है ना लोगों को कीटो डाइट में, मुझे बिल्कुल भी एनर्जी डाउन नहीं लगती क्योंकि मैं अपनी चाय और कॉफ़ी को रेगुलर रखती ही रखती हूँ। तो इसे मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे लेती हूँ, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस टी को बनाने के लिए ये मेरा जो मैं आपको मिल्क यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मेरा होल डे का मिल्क है, यानी कि पूरे दिन में मैं सिर्फ इतनी दूध की चाय पीती हूँ। और ये दूध भी जो है वो लो फैट है, यानी कि जो बिना क्रीम वाला दूध मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा या फिर गाय का दूध अवेलेबल हो तो वो जो काओ मिल्क आता है, तो इतना दूध, इसकी जो क्वान्टिटी है वो 50 to 70 ml ही है। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ कि इस चाय को मैं बनाती कैसे हूँ। तो ये मैं अपनी जस्ट मॉर्निंग ट्री बनाने जा रही थी मॉर्निंग वाली, तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर करती हूँ। तो जितनी भी आप क्वांटिटी पीते हैं, जैसे कि मैं चाय की क्वांटिटी हाफ कप ही रखती हूँ, तो उतना पानी लीजिए। उसमें आपको रेगुलर टी जो डालनी है वो डालते हैं, मसाला टी जो भी आप टी यूज़ करते हो वो टी आपको डालनी है। उसका मेज़रमेंट मैंने, मतलब आप सबको पता है वो, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हम जो है थोड़ा बहुत मिल्क ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं इसमें इस चाय को कि ये जाके हमारी कैलोरीज़ को बर्न करे, इसमें मैं अदरक डालूँगी ढेर सारा। जिन लोगों के यहाँ भी गर्मियाँ हैं वो इसको स्किप कर दें। इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, जिनके यहाँ भी गर्मी पड़ी है, समर सीज़न है, वो भी इसे स्किप कर दें, वरना मतलब या तो क्वांटिटी बहुत लो कर दें या फिर डाल रहे हैं तो मत डालिए मतलब। और अगर चाहते हैं, क्योंकि सब बॉडी को बहुत अच्छे से क्लींस करते हैं, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी कर दीजिए। उसके बाद मैं मिल्क डालूँगी, क्योंकि मैं दिन में 3 कप यानी कि टोटल मिला के 1.5 कप चाय मैं लेती हूँ, तो इस मिल्क को मैं 3 उसमें डिवाइड करूँगी और इस तरह से ये मेरी टी बन के रेडी है। मैं शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहें तो स्टीविया ले ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा से ही, मुझे 6-7 साल हो गया है विदाउट शुगर चाय, बहुत टेस्टी लगती है ये चाय। आप चाहें तो स्टीविया जो लीव्स हैं वो इसमें डाल सकते हैं, वरना शुगर बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि वो जाके फिर आपको काप का काम पूरी तरह से कर देगा। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। मिल्क को भी बहुत लो क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। प्लीज़ ध्यान करके शुगर मत ऐड करिएगा, तभी ये टी जो है आप कीटो में ले सकते हैं, वरना फिर ये कीटो लाइक टी नहीं रह जाएगी। और आप सब जानते हैं मैं बिना जो चाय कॉफ़ी के नहीं रह सकती हूँ, या फिर आप बुलेट प्रूफ वाली जो मैंने बताई थी वो कॉफ़ी ले सकते हैं, वो भी आप फ्री होकर कीटो में ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत एनर्जेटिक फील करवाएगी। तो ये जो है मेरी जो टी है वो बन के रेडी है, क्योंकि मैं शुगर नहीं पीती हूँ तो मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्टीविया लेप मंगवा सकते हैं और वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मिल्क अब मेरा इतना बचा है और इसे मैं अब 2 बार के लिए यूज़ करूँगी, एक इवनिंग टी के लिए और एक बार रात में मुझे 7-8 बजे एक टी चाहिए होती है तो उसके लिए। तो इस मिल्क को मैं सेपरेट कर दूँगी, यानी कि अलग रख दूँगी। अब ये मेरी 2 बार की मॉर्निंग की मैं कोशिश करती हूँ एक ही टी लूँ। अगर मुझे कभी मन हुआ तो इसी दूध को मैं 4 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। इसके बाद अब आपकी चाय बनके रेडी है और मैं आप सबको चाय बनाना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि आई नो कि आप सब चाय बनाना जानते हैं, लेकिन मैं कीटो की टी बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसे ले सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हो के लिए, जो लोग भी इसलिए कीटो डाइट नहीं करते कि चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस तरह से कीटो में आप चाय और कॉफ़ी को भी फ्री होके ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस टी एंड कॉफ़ी को आप फ्री होके ले सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो चीज़ मैंने यूज़ की है उसकी बहुत क्वांटिटी थोड़ी रखिएगा। अगर आप दिन में 3 कप पीते हैं तो उसे 1/2 कप लेके 1 कप कर दीजिए, अगर 4 कप पीते हैं तो उसे 2 कप कर दीजिए,
लेकिन जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से इसे लीजिएगा तो कीटो डाइट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने इसे कंटिन्यू रखा है। 15 दिन मैं कीटो करूंगी, 15 दिन वीगेन करूंगी और उसके बाद सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्या किया है। लेकिन मैं धीरे धीरे जो चीज मैं फॉलो करती जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ और उसका कैसा बिफोर और आफ्टर की पिक जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।